दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीर सिंह उस्ताद मैकेनिक। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि बाइक के अगले शॉकर फ्रंट वाले शॉकर खुद कैसे रिपेयर करें अपनी दुकान पर। कई मैकेनिक भाई तो खुद कर लेते हैं लेकिन कई अभी शॉकर वालों के पास भेजते हैं शॉकर को रिपेयर करने के लिए, भरने के लिए, और बहुत ही जल्दी सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये भर जाएगा, ऐसा तरीका बताएंगे आपको। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज ये हमारे सामने प्लेटना गाड़ी आई है, इसके दोनों शॉकर बनने हैं हमने, ये देख पा रहे हैं। एक तो शॉकर हमने खोल लिया, ऐसे ही आपको भी खोल लेने, ये आप देख पा रहे हैं, ये लीकेज है। ये शॉकर में ऑयल नजर आ रहा है बाहर इसकी सील के ऊपर, जो रबड़ होती है शॉकर के ऊपर, ये लीकेज है। और दूसरा शॉकर अभी लीक होने को लगा है। तो शॉकर को हमेशा कभी भी थोड़ा सा भी अगर लीक करने लगे तो तभी भरवा लेना चाहिए, नहीं तो उसकी शॉकर रॉड कट जाती है जो कि फिर काफ़ी महंगा पड़ता है। 600-700 रुपये की एक रॉड आती है, प्लस उसके जो रिपेयरिंग के पैसे हैं, भराई के पैसे हैं, वो अलग लगते हैं। तो पहले आइए इसको फटाफट खोले लेते हैं और उसके बाद दिखाएंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे भरें। और शॉकर को खोलने से पहले, बाहर निकालने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, एक काम और कर लेना चाहिए, ये जो शॉकर के ऊपर नट होता है कैप नट, इसको यहीं पर खोल लें, नहीं तो बांक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बांक नहीं है तो बांक में भी कई बार पड़ता है अगर टाइट बोल्ट टूटता है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसको इसी के टी के अंदर ही हम खोल लें, तो इसको थोड़ा नीचे करके इस बोल्ट को टाइट करेंगे और इसको फिर 27 की चाबी से लेकर खोल लेंगे। ये देखिए ये खुल गया, बड़ी आसानी के साथ खुल गया। तो इसको खोल के इसका स्प्रिंग वगैरह निकाल लेंगे, सामान सारा निकाल लेंगे और इस फ्रेम में उल्टा करके इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, थोड़ा उल्टा करके रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो भी है सारा निकल जाए। दूसरा भी खोल लेंगे ऐसे ही। अब क्या करना है, हमने ऐसा पुलर ले लेना, ये देख पा रहे हैं आप, ये पुलर है शॉकर पुलर। और अगर आपके पास शॉकर पुलर भी नहीं है और अगर आप खरीद भी नहीं सकते तो इतना मोटा कोई सरिया ले लें और उसको इसी तरह से चार कोने वाला इतना लंबा उसको कहीं पर जाकर लोहार की दुकान से जाकर ऐसा बनवा सकते हैं, इतना लंबा सरिया ले लें और नीचे से जैसे ये टी है ये ऐसा वेल्डिंग करा लें उसमें रॉड, इस तरह से एक रॉड वेल्डिंग करा लें जिससे कि खोलने में आसानी रहेगी और कोई सा भी शॉकर खुल जाएगा। तो ये खुल के भी दिखाते हैं सब और आसान भी तरीका बताते हैं तुम्हारे को। इसको ऐसा रख के थोड़ा ऊपर हल्के सी चोट मारेंगे थोड़ी से, और ये इसके अंदर जो बोल्ट होता है इसका एल की का बोल्ट होता है, तो अगर वो ख़राब नहीं हो तो उसके लिए क्या करना, आपने एक पिस्टन की पिन ले लेनी है, ये पिस्टन की पिन है, एक्टिव वगैरह कोई भी ले लेना पतली पिन, और उसको ले करके उसको रख के ऐसे रख के और हथौड़ी से चोट मार लेंगे। इससे क्या होता है इसके अंदर जो बोल्ट लगाता है वो भी ख़राब नहीं होता और वो अपनी जगह छोड़ देता है, तो खोलने में आसानी रहेगी। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल हाथ से ही बोल्ट खुल गया, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद सारी चीज़ निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरे शॉकर को भी खोल लेंगे। अब इसकी सीलें निकाल लेंगे, सील निकालने के लिए इसमें एक लॉक होता है उसको पिन पेचकस से निकाल के और ऐसा मोटा पेचकस कोई ले लेंगे, उससे इस तरह से निकालेंगे दबाव लगाकर, ज्यादा चोट मारनी इसमें चोट नहीं मारनी चाहिए कहीं भी।
ये बड़ी आसानी से निकल जाती है सील। इस तरह से दूसरी भी निकाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह पेट्रोल से धो लेना है। पंचर है बेटा। दोस्तों ये सारा सामान साफ कर लिया हमने, और एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, कि यह बात शायद आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी अभी तक, कि बिना उसके मशीन के रोड को कैसे चेक करें कि टेढ़ी है या सीधी है। तो जैसे ये दोनों रोड हमने खोल रखी हैं, जैसे देख पा रहे हैं आप, अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, आप अगर ध्यान से देखोगे ऐसे रोडों को ऐसे करें और फिर ऐसे देखें, अगर ये रोड ये देख पा रहे हैं बीच में, इसके यहाँ पे गैप आ रहा, इधर गैप है, इसका मतलब ये रोड हमारी टेढ़ी है, और ये दूसरी जगह हम लेके आ रहे हैं तो इस तरह से हिल रही है, ये आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये रोड टेढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होती है तो खुद ही नज़र आ जाती है, और अगर थोड़ी होती है तो ऐसे चेक कर लें रोड को, ये देख पा रहे हैं ये बीच में से दबी हुई है, और ये दोनों तरफ ऐसा हो रहा है, तो इसको रोड को पहले चेक करेंगे, इसको खराब से जाके सीधी कराएंगे, क्योंकि अगर इन्हें सीधी नहीं कराएंगे हम तो सोकर की लाइफ उतनी नहीं होगी, वो जल्दी लीक कर जाएगा, तो इसे सबसे पहले हम सीधी करा के लाते हैं। रोडें साफ सीधी करा लाए हैं, तो सारी सफाई भी अच्छी तरह कर ली है, देखो बिल्कुल फिट हो गई है एकदम ये रोडें, तो अब हम सील बैठा के दिखाएंगे, ये बॉटम लेंगे, ये बॉटम ये साफ कर लिए, बिल्कुल साफ कर लेनी है आपको, कंप्लीट अच्छी तरह पहले पेट्रोल से साफ करके इसको अच्छी तरह रखनी है, इसमें कोई गंद नहीं रहना चाहिए, उसके बाद में सील ठोकेंगे इसकी। सबसे पहले अगर ये प्लेटना गाड़ी है इसमें तो क्या होता है, इसमें ये रोड बाद में लग जाएगी, लेकिन अगर डिस्कवर गाड़ी है और उसमें अगर ये वॉशर लगी हुई है सील के नीचे, तो डिस्कवर में क्या करता है, पहले ये वॉशर लगा के और पहले हमें रोड डाल के फिट कर लेनी चाहिए, रोड को फिट करेंगे उसके बाद सील ठोकनी है, लेकिन ये प्लेटना गाड़ी है और वॉशर भी है इसके अंदर, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बुश जो है वो इसमें से रोड चली जाती है, इसके डिस्कवर में यहाँ पर बुस होता है डिस्कवर में पल्सर में, और इसमें बुस नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके पास ये गुल्ला है सील ठोकने वाला, तो आप गुल्ला से ठोक लें, या पहले रोड को डाल लेंगे, रोड को डालेंगे तो सील ठोकने में आसान रहेगी। ये गुल्ला है और इसको बड़ी आसानी के साथ इस तरह से सील ठोक देंगे, और अगर आपके पास ये गुल्ला नहीं है तो दूसरी सील ठोक के दिखाते हैं हम, बिना गुल्ले के भी आप सील ठोक सकते हैं बड़ी आसानी से। ये पाइनर की सील है, हमेशा अच्छी क्वालिटी की सील लेनी चाहिए, पाइनर की या जेबरल की भी आती हैं ओरिजिनल, ये सारी ओरिजिनल ही आती हैं ये सील। अगर आपके पास गुल्ला नहीं है और आप सोकर भर रहे हैं, तो आप बिना गुल्ले के भी सील ठोक सकते हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं ये प्लेटना है, उसमें क्या करना, आपने सील रखनी है और हथौड़ी को इस तरह से मारना है, अगर ऐसे मारेंगे तो एक साइड से ठुकेगी, एक साइड से नहीं ठुकेगी, टेढ़ी हो जाएगी, इससे सील सीधी ठुकेगी, और जब ये इसके लेवल तक आ जाए तो आप पुरानी सील लेना है आपको, और उसके ऊपर इसको रख के ठोक देनी है, उसके ऊपर रख के ठोकेंगे, और ऊपर वाली सील पुरानी ऐसे निकाल देनी है, और लोग लगा देना, लोग तो बहुत सॉफ्ट होता है इसका, बड़े आसानी के साथ लग जाता है, बिना पिचकस के भी लग जाता है आराम। अब नंबर आता है सोकर को फिट करने का, पाइप फिट करने का, ये और इसका जो सोकर का कूलर होता है इसमें इसको डाल के, जैसे मैंने बताया ये नहीं होगा खरीदे बना सकते हैं, और इसको डाल लेंगे पहले, और उसके ऊपर इसका बुश रखेंगे, और फिर बॉटम को लगा देंगे,
तो आपने इसका ये बोल्ट लगाना है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि इसके अंदर जो कॉपर की वाशर होती है, सिम होती है, वो जरूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो यहाँ से सॉकर लीक करेगा। जब भी थोड़ा इसको टाइट करना है तो हल्का सा चोट मार लेनी है ताकि वो अंदर कूलर को अच्छी तरह बैठ जाए, तो दिक्कत नहीं हो। और फिर 30-32 की चाबी ले लेंगे, जो भी इसमें चाबी अलग अलग बॉटम में अलग साइज आता है, जो भी अगर चाबी इसमें फंस जाए, इसमें फंसाने के बाद में और इसको बोल्ट को टाइट कर देंगे। अच्छी तरह टाइट कर लेना, ढीला नहीं रहना चाहिए, ढीला रहेगा तो लीकेज करेगा सॉकर, नीचे से बोल्ट लीकेज करेगा। अब आपने स्प्रिंग को डालना, स्प्रिंग हमेशा जो खुला वाला हिस्सा है उसको ऊपर की साइड रखना चाहिए, और जो ये बिछा बिछा हिस्सा है इसको, जो दबाव हिस्सा है इसको नीचे की साइड रखना चाहिए। इससे जो स्प्रिंग और सॉकर जो जंप होता है उतना आसानी रहे। उसके बाद ये इसका प्लास्टिक वाला बुश, ये वाला बुश का हिस्सा है, ये वाला जो जैसे वाशर डालते हैं, ये वाशर वाला हिस्सा जो इसमें वाशर नहीं है तो ये बंद बंद दे दिया है, ज़्यादा इसमें इधर से खुला है, इधर से थोड़ा बंद है, तो ये नीचे की तरफ रखना चाहिए। और ये ऑल अगर आप थोड़ा टाइट सॉकर करना चाह रहे हैं, अगर टाइट सॉकर करना चाह रहे हैं तो हमेशा सॉकर ऑयल के अंदर क्या करना चाहिए आपको, 20-40 ऑयल जो इंजन ऑयल आता है, एक शीशी वो और एक शीशी ये मिला के दोनों सॉकरों को बराबर कर देना चाहिए। और अगर आपको सॉकर चाहिए तो खाली ये डालना चाहिए। ये बात को हर बंदा नहीं बताता आपको, हर कोई नहीं बताएगा जो हम आपको बता रहे हैं। और फिर ऊपर का ये नट लगा देना चाहिए और ऐसे ही टाइट करना, टी में लगा के दोबारा पूरा टाइट कर देंगे इसको। और ये जो रबड़ है, बॉटम की रबड़ है, इसको लगाने से पहले अगर आप अगर कोई धोती की किनारी फाड़ के और इसमें लगा लेंगे, अगर इस धोती की किनारी को फाड़ के थोड़ा इसमें लगा लेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जो डस्ट होती है जो उसमें लगती है सॉकर की रॉड के ऊपर, जो डस्ट लगती है वो डस्ट अंदर जाएगी और रॉड को कटने से बचाएगी। तो इसको थोड़ा फाड़ के, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा फाड़ेंगे, पतली पतली रहनी है आपको और ऐसे ही बांध लेनी है। इससे आपकी रोड पे निशान नहीं आएंगे, रोड कटने से बचेगी। और आपने ये रबड़ इस तरह से लगा देनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से साथ। और इसी तरह से आपने दूसरा सॉकर भी करना है। ये देखो सॉकर एकदम से फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, जैसा होना चाहिए नए की तरह। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।